आगे फिर हम इसमें थोड़ा सा चीज स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिएगा मस्त एकदम पिज्जा। सो गाइस देखो यहां पे ओवेस पिज्जा कटर से काट के मस्त खा रहा है। ओवेस मस्त निकाल लिया है, खा रहा है। जल्दी अभी तो टाइम खत्म नहीं होता। आप सबका स्वागत है वो जायद के मस्ती भरे ब्लॉग में। तो गाइज आज सुबह सुबह सहरी के वक्त ताजुद पढ़ने के बाद मजा आता है सहरी करने में। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ आज पिज्जा चीज डोसा। जी हाँ, पिज्जा चीज डोसा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये डोसा रहेगा एग्जैक्टली, बट इसमें मैं थोड़ा पिज्जा टाइप की फीलिंग करूंगी। ओरिगानो, चिली फ्लेक और क्या क्या करती हूँ आपको चलो मैं दिखाती हूँ। और ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है और वो भी उठ चुका है, तो फटाफट से उसके लिए मैं रेसिपी रेडी करती हूँ और हम लोग सैरी करते हैं। तो गाइज यहाँ पे तवे को गरम कर लेना है और उस पर ऑयल लगा लेना है अच्छे से, ताकि हमारा पिज्ज़ा चिपके ना, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी ये डोसे का बैटर, ये, और थोड़ा थिक मोटा मोटा ही डालेंगे इस तरीके से। इसको ज्यादा फैलाना नहीं है, बस इसको इसकी जाड़ा जाड़ा ही रखना है। बस बस ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये है शेजवान चटनी। आप पिज्जा सॉस भी डाल सकते हो। मैंने थोड़ा ऑनियन पहले ही डाल दिया था, ताकि ऑनियन जब मैं शेजवान चटनी के साथ राउंड राउंड घुमाऊंगी तो वो अंदर अंदर ऑनियन थोड़े अंदर चले जाएंगे, वरना बाहर ही रहते हैं इस तरीके से। फिर हम इसमें थोड़ा सा और ऑनियन डालेंगे। पहले मैंने हल्का कम ही डाला था। और अगर हमको ग्रीन चिली चाहिए तो हम ग्रीन चिली एक दो ऐसी स्प्रिंकल कर देंगे। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा टमाटो। देखो कितनी मज़े की दिखने लग जाएगी अभी। जी इस तरीके से हम लोग डालेंगे टमाटो। फिर इसमें हम लोग डालेंगे ओरिगैनो। ये ओरिगैनो मैंने डाल दिया है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारा मसाला, ये चाट मसाला, और इसमें मिर्ची वगैरह सब है, तो मैंने ये घर में ही पीस लिया था। इसमें मैंने दो चीज़ें और डाल दी थी, इस तरह से चाट मसाला वगैरह डाल देंगे। थोड़ी सी हम चिली फ्लेक भी डाल देंगे। ये बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस। आगे फिर हम इसमें थोड़ा सा चीज स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिएगा मस्त एकदम पिज्जा रेडी हो जाएगा हमारा डोसा पिज्जा। ये हमने पूरा मम्मा ने ओवेस के लिए अच्छे से इसमें चीज स्प्रेड कर दी हूँ ऐसे, है ना। फिर इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। चीज बड़ी महंगी है गाइस, इसको अच्छे से क्लीन कर लेना और डाल देना है। गाइस इसको थोड़े देर के लिए हमको कुक करना है, ताकि नीचे का बेस अच्छे से पक जाए। और हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सा चम्मच की मदद से देखेंगे। यह हल्का सा लाइट ब्राउन ही हुआ है, अभी प्रॉपर ब्राउन नहीं हुआ है। इसको हम लोग नहीं पलटाएंगे, क्योंकि अगर इसको हम लोग पलटा देंगे तो ये पूरा मसाला जाके हमारा तवे में चिपक जाएगा। तो हमको ये पिज्जा है, इसको स्लो पे एक ढक्कन ढाक के बंद करेंगे। तो स्लो पे ढक्कन ढाक के इस तरीके से हमको छोड़ देना है। ये देखो पूरी चीज भी इसमें लग गई, ढक्कन भी टूट गया गर्म से। इसको इस तरीके से कट कर अच्छे से नहीं। तो गाइस मैंने इस पर ढक्कन ढाक दिया है और इसको मैं थोड़े देर के लिए स्लो पे सिर्फ एक मिनट के लिए कुक करूंगी, ताकि इसके अंदर की जो भी फीलिंग मैंने ऐड की हूँ अच्छे से बन जाए। और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा डोसा स्टार्टिंग में बना लिया था, क्योंकि तवे पे जो फर्स्ट डोसा हम डालते थे वो कितनी आवाज़ आ रही है पानी की, क्योंकि मैंने ढक्कन को थोड़ा वॉश किया था तो पानी की आवाज़ आ रही है। जब हम लोग मैंने फर्स्ट डोसा बनाया, ताकि उसका जो बेस है तवे को अच्छे से ऑयल लग जाए। और यहाँ पे देखो मैंने एक बना दी थी और ओवेज मस्त इंजॉय कर रहा है। एक पहले ही मैंने बना दी थी, क्योंकि सैरी का टाइम होता है गाइस, तो हमको थोड़ी जल्दी होती है ना ओवेज को चीज़ मायोनी वगैरह बहुत पसंद है। फिर हम इस पर डालेंगे मायोनी।
जब तक योगेश ये खा रहा है ना योगेश, मेरा यहाँ पे भी एक डोसा रेडी हो रहा है माशाल्लाह। देखिए देखो मायोनी केचप वगैरह क्या 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 डाल दिया है, चीज डाल दिया है और ये अपना मस्त एकदम चीज वगैरह डाल के फैला रहा है। ये चीज ऊपर से घस के ही खाता है, चाहे इसको कितना भी अच्छा बना के दे दो। यहाँ पे देखो गाइस ऑलमोस्ट मेरा पिज्जा डन हो चुका है, तो इसको फटाफट से पलटते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हमारा पिज्जा डोसा रेडी है और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मसालेदार यम्मी लग रहा है। तो प्लीज गाइज आप लोग भी खाइएगा और मैं इसको फटाफट से दिखाती हूँ ओवेस को, ताकि वो जल्दी से खा ले, सैरी का वक्त कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा, तो फटाफट से ओवेस को जाके दे देती हूँ। देख सकते हो ओवेस एक ऑलरेडी खा रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट बनाया था तवे को स्टिकपन से हटाने के लिए, तो वो अच्छा ही बनता है वो भी माशाल्लाह से। बट मैंने नेक्स्ट ये बनाया था आप लोगों के लिए, तो देखो ये कितना अच्छा और मस्त दिख रहा है। तो ओवेस दोनों खा लोगे ना, चलो जल्दी जल्दी खा लो फिर। तो गाइस जाती हूँ मैं भी सैरी कर लेती हूँ, बस सैरी में कुछ ही वक्त रह गया वरना मालूम पड़ा कि मैं ही रह गई। तो गाइस देखो यहाँ पे ओवेस पिज्जा कटर से काट के मस्त खा रहा है। और ये इसके एक नहीं 36 टुकड़े करेगा क्योंकि इसको छोटे छोटे बाइट पसंद है। और यहाँ खाली चार ही करूंगा क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी खा लो ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया है चटनी जो मैंने ऑलरेडी बना के रख ली थी और मेरा भी डोसा यहाँ पे आ गया, तो फटाफट से हम लोग इंजॉय करते हैं और आप भी खाइएगा। सो गाइज हम लोगों का पिज्जा डोसा बहुत ही अमेजिंग बना है, ओवेस आपको दिखाएगा अभी वो कैसे खा रहा है। दिखा बटू जरा एक स्लाइस उठा के, टूट गया मैंने यहाँ पे ओवेस मस्त निकाल लिया है खा रहा है। जल्दी खाओ बेटू टाइम खत्म ना हो जाए। सो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज भी हो चुकी है और माशाल्लाह से ओवेस भी नमाज पढ़ के आ गया है और वो चला गया है सोने के लिए। सो गाइज हम लोग यहीं पे अपना प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग एंड करते हैं और आप लोग प्लीज़ दुआ में याद रखिए। तो गाइज प्लीज़ रोज़े नमाज पढ़ के हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और हमें हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन ज़रूर कीजिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को सपोर्ट कीजिएगा इंशाल्लाह। और इसी तरह मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।